Hello and assalamu alaikum. So welcome to genomics and bioinformatics lab. आज हम क्या कहते हैं, हम मोलेकुलर डॉकिंग प्रोसेस को देखेंगे और जो हम डॉकिंग करवाएंगे हम वो प्रोटीन और लिगेंड इंटरेक्शन के दरमियान करवाएंगे। तो आज जो तो आपका प्रेजेंटर है मैं, मेरा नाम है आकिफ बुरहान। सो लेट्स मूव ऑन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज डॉकिंग। So basically, docking is the computational simulation of a candidate ligand binding to a receptor. Docking is a method which predicts the preferred orientation of one molecule to a second when bound to each other to form a stable complex. So basically, हम docking क्या है? Docking हमारा एक computational simulation है कि हम एक receptor और एक ligand की binding करवा रहे हैं। तो basically हम ये उसका जो method है हम ये predict करते हैं कि उसकी orientation जब वो आपस में दोनों react करेंगे क्या होगी। तो ये हमारे पास उसका रिजल्ट आता है, ये 2D स्ट्रक्चर है। और जो यहाँ पास 3D स्ट्रक्चर आता है, जो हमें मेन जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा वो होगा ये। सही। अब जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, हम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे बेसिकली ऑटोडॉक वीना 1.5.6 वर्जन है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, और हम बायोवियर डिस्कवरी स्टूडियो यूज़ करेंगे। और अपने लिगेंड और अपने सारा डाउनलोड करने के लिए हम जो वेबसाइट यूज़ करेंगे वो हम करेंगे RSCBPDB। ये बेसिकली प्रोटीन डेटा बैंक की इनकी अपनी वेबसाइट है। ये तो आप इधर से क्या कहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके इधर से इनके लिंक्स आप खुद लिख सकते हैं और वहाँ से निकाल सकते हैं। तो आप गूगल पे डायरेक्ट लिखेंगे इस तरह से तो आपको ये तब भी मिल जाएंगे। अब जो कुछ की पॉइंट हमने तो दिमाग में रखने हैं कि जो फाइल का जो फॉर्मेट होगा ना, मोस्टली जो हम फाइल यूज़ कर रहे होंगे वो हम PDB में या PDB-QT में यूज़ कर रहे होंगे। तो ये तो जो हम प्रोटीन डेटा बैंक से हम जो फाइल डाउनलोड करेंगे वो हम हमारी जो फाइल्स होंगी वो PDB फॉर्मेट में होंगी, और उनको हम क्या कहते हैं ट्रीट करने के बाद हम उनको PDB-QT फॉर्मेट में भी यूज़ करेंगे। और जो फाइल है जिसके अंदर हमारी सारी फाइल्स होंगी, उस फाइल के अंदर हमने ये ध्यान रखना है कि हमारी वीना एप्लीकेशन का जो रन कोड रन है ना वो हमने उस फाइल के अंदर रखना, ताकि जब हम उसको क्या कहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करें तो हमारे पास वो फाइल सेम रहे। अब मैं आपको इसको शो कराता हूँ। अब अगर आप ये देखें, ये मेरा फोल्डर है सही, जिसके अंदर मेरा वीना भी है, मेरा रन कोड भी है और उसी का कॉन्फ़िगरेशन कोड भी है। तो अब ये ऑलरेडी मैं दो अपने क्या कहते हैं इंटरेक्शन चला चुका हूँ प्रीवियसली, लेकिन अब हम दोबारा नई से स्टार्ट करेंगे और अब हम इसको देखते हैं कि इसको कैसे करना है। तो अब मैं अपना खोलता हूँ। तो अब हम सीधा सबसे पहले जाते हैं उसकी क्या कहते हैं ये PDB वेबसाइट पे जो RSCB की है। अब आपने जो मॉलिक्यूल लेना है आपको, उसका और जो लिगेंड है आपको, वो दोनों पता होना चाहिए। तो अब मैं अगर मेरे पास क्या कहते हैं इधर मैंने अपने पास लिखे हुए हैं कुछ IDs वगैरह, कुछ नाम वगैरह, तो मैं उनमें से अपना एक सिलेक्ट कर रहा हूँ बेसिकली। जैसे मैं कर रहा हूँ कॉपी ये, और अगर आपको नाम नहीं भी पता आप तो इधर डायरेक्ट लिख भी सकते हैं। ये बेसिकली उसकी PDB ID है, ये देखें इन PDB ID, और उसके बाद मैं इधर से सर्च कर रहा हूँ। तो अब जब आपने अपना सर्च कर लिया और आपका जो भी कॉम्प्लेक्स है जैसा भी है वो आपको जब शो हो जाएगा, तो उसके बाद आपने उस पर जब आएंगे आप ढूंढ लेंगे तो आपके सामने ना इस तरह से ये पूरा एक आ जाती है पेज। सही। अब इस पेज के अकॉर्डिंगली आपने देखना है कि आपका क्या था, उसकी क्लासिफिकेशन वगैरह, कि इस एक्सप्रेशन सिस्टम किस चीज़ से वो एक्सप्रेस होता है, कौन से ऑर्गेनिज्म है बेसिकली। तो इस चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है, आपने जो जाना है आपने डाउनलोड फाइल्स पे जाना है और इधर इसको PDB फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेना है। सही। और जैसे मैंने कहा कि इसको सेव फाइल चाहिए मुझे, और जैसे मैंने कहा कि जिधर हम हमारा वीना एप्लीकेशन है और सारा वो है हमने उधर जाना है। अब जो मेरा है वो है जीनोमिक्स के अंदर ऑटोडॉक और प्रैक्टिस। देखिए अब इस जगह पे मैंने अपना रखना है, यहाँ पे वो शो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये वो आ रहा है, ये देखें ऑल फाइल्स, तो ये मेरा इस फोल्डर के अंदर है तो इसको इधर ही सेव कर लूंगा एज इट इज। अब नेक्स्ट, अब मुझे मेरा चाहिए लिगेंड। अब लिगेंड जो है, अब आपको जॉन साहब का लिगेंड है वो उस डिपेंड करता है, अब आपने किसके साथ रिएक्ट करवाना है। सही। तो अब अगर मैं इसको देखूँ, अगर हम कहें कि हम इसको EDTA के साथ करवाना चाह रहे हैं तो मैं इसको करता हूँ एंटर। अब भी सर्च हो रहा है, ठीक है। अब जो हमारे लिगेंड्स है ना वो हमें प्रॉपर नहीं शो होते। सही। तो अब ये देखें, अब इसके नीचे ये यहाँ पे इतने सारे हैं,
अब ये आपको जो मॉलिक्यूल्स दिखते हैं ना, उनके नीचे ये लिगेंड्स होते हैं, ये लिखा हुआ है यूनिक लिगेंड्स, PO4, SO4, सही है, FAD। तो अब हम क्या करते हैं, हम अपने वाले को, अब इधर से हम कोई सा भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ये रहा, ठीक है। अब मैंने जो मुझे लिगेंड चाहिए था, मैंने उस पर क्लिक किया, और जो मेरा लिगेंड होता है ना, बेसिकली वो इस तरह से मुझे शो हो जाता है इस पेज पे। अब इसको यहाँ पे जाते हैं तो ये स्ट्रक्चर डेटा फाइल आ जाती है हमारे पास, ठीक है। लेकिन हमें इसको बेहतर तरीके से, हमने क्योंकि इसको PDB में रखना है, तो सबसे बेहतरीन तरीका है व्यू समरी पे गए, आपका ये मेन पेज खुल जाता है। उसके बाद आप वापस जाते हो द डाउनलोड्स में, इस साइट पर मैं आया डाउनलोड्स में। अब डाउनलोड्स में खुल गया तो मेरे पास आपको सामने ये इंटरफेस दिखता है। अब इसके बाद अगर आप देखें तो नीचे आपको दिखा लिखा हुआ है PDB फॉर्मेट एक्सपेरिमेंटल मॉडल कोऑर्डिनेट्स, हमें ये चीज डाउनलोड करनी है। ओके, सो सेव, ओके, एंड दोबारा से हम उसी फोल्डर में जहाँ पे हमारा पहले हमने किया था सेव। अब ये हमारा हो गया काम, क्या कहते हैं उसको डाउनलोड करने का, जो उनकी वेबसाइट से था, सही। अभी सारा प्रोसेस एप्लीकेशन जो है वो सारी डाउनलोड करने के बाद है ये प्रोसेस, ठीक है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ और अब मैं चला जाता हूँ उस जगह पर। अब ये मेरे आगे है जो मेरा रिसेप्टर मॉलिक्यूल था, ये जो EDT मॉडल है, ये बेसिकली अब मेरा है लिगेंड, सही। इसके बाद अब हम रन करेंगे ऑटोडॉक। ऑटोडॉक इस तरह से ये मेरा रखा हुआ ऑटोडॉक टूल 1.5.6, ये बेसिकली मैं ये वाला वर्जन यूज कर रहा हूँ। आपको क्या कहते हैं यूट्यूब पे फर्दर ट्यूटोरियल्स मिल सकते हैं अगर आपको खुद को नहीं समझ आती कि इसको कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से करना है, तो यूट्यूब पे आप लिखें कि ऑटोडॉक टूल्स डाउनलोड इंस्टॉलेशन ट्यूटोरियल, आपको बहुत सारे आ जाएंगे। अब जब मैं अपना ऑटोडॉक क्या कहते हैं ओपन करता हूँ, तो मुझे ये ऐसा इंटरफेस दिखता है पूरा, सही। तो अब जो मैंने काम करना है, सबसे पहले मैंने अपनी ओपन फाइल करनी है, और सबसे पहले हम ओपन अपना करेंगे रिसेप्टर मॉलिक्यूल। अब जो मेरा फाइल था वो थी मेरी प्रैक्टिस फाइल, प्रैक्टिस में गया मेरा ये रिसेप्टर बेसिकली। अब जो मेरा रिसेप्टर आ जाता है इस तरह से ओपन होता है, तो ये आपको ये पिंक शेड दिख रहा है, ये मैं अपने लेफ्ट क्लिक करके उस पर उसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, राइट क्लिक से मैं इसको यूं करके पूरा मूव कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर जो आपको ये रेड डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये रेड डॉट्स बेसिकली हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, और हमने इसको जब डॉकिंग करवानी है ना, हमने वाटर मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंस की वजह से हमारी जो इंटरेक्शन है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती हैं, तो अब हमने इसको करना है ट्रीट। तो ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले हम जाते हैं एडिट पर, और सबसे पहला काम हमने करना होता है डिलीट वाटर। अब देखिए जितने भी रेड डॉट्स थे जो बेसिकली वाटर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो सारे डॉट्स यहाँ से रिमूव हो गए। अब हम दोबारा जाएंगे एडिट पे, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हाइड्रोजन, सही है, ओके। तो अब इसके अंदर सारे हाइड्रोजन हमने नहीं ऐड करना है, सही है, क्योंकि हमें सारे हाइड्रोजन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। हमें जो हाइड्रोजन चाहिए वो बेसिकली है सिर्फ पोलर ओनली, तो हम सिर्फ पोलर ओनली पे गए, ओके। ये देखें इसके अंदर जितने थे पोलर हाइड्रोजन, जहाँ जहाँ ऐड हो सकते थे उसने कंप्यूटर ने ऐड कर दिया। अब हम दोबारा से जाएंगे एडिट पे, और अब हम ऐड करेंगे इस पर चार्जेस, और इस दफा हमने ऐड करना है सिर्फ कोलमैन चार्ज ओनली। अब इस हमारे रिसेप्टर मॉलिक्यूल पे कोलमैन चार्ज भी ऐड हो गया। अब हमने इसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है डॉकिंग प्रोसेस के लिए, तो हम इधर जाएंगे ग्रिड पे, ये एक ऊपर हमारे पास बार है, उसके नीचे एक ही छोटी मिनी बार है जिधर उस पर लिखा हुआ है ग्रिड, हम उस पर क्लिक करेंगे। इधर आएंगे मैक्रो मॉलिक्यूल पे, मैक्रो मॉलिक्यूल के अंदर हम चूज के ऑप्शन पे गए, ये हमारा मॉलिक्यूल है यहाँ पे, इसको किया सिलेक्ट एंड सिलेक्ट मॉलिक्यूल। उस पर आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं तब भी सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन इस तरह से मैं कर रहा हूँ तो एक ही बात है। अब हमें ये प्रॉम्प्ट आया, इस प्रॉम्प्ट पे आपने टेंशन नहीं लेने की, मुझे बार बार प्रॉम्प्ट आ रहे हैं, आपने इसको कर देना है ओके। अब ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप इसी को PDBQT फाइल के अंदर, या PDBQT फॉर्मेट जो है उसके अंदर सेव करें। अब जैसे मैंने स्लाइड्स के अंदर मेंशन किया था, हमारे दो फॉर्मेट्स हम मोस्टली यूज करेंगे, जो मेन हमारा है एक है PDB और एक है PDBQT। हमने इस फाइल को जब अदर इंटरनेट से उसकी वेबसाइट से डाउनलोड किया था, हमने इसको PDB फाइल में किया था, और अब इसको सेव कर रहे हैं ट्रीट करने के बाद PDBQT में, तो इसको सेव किया। और अब ये देखें, अब ये हमारा मॉलिक्यूल बेसिकली हो गया है सिलेक्ट डॉकिंग प्रोसेस के लिए। अब हमने इसके ऊपर डालना है ग्रिड, वो दोबारा से इधर जाएंगे ग्रिड पे, इधर ऑप्शन है ग्रिड बॉक्स की,
अब ये बेसिकली जो ग्रिड है, इस ग्रिड को हम सेट करेंगे अपने लिए, और इस अकॉर्डिंगली इसलिए सेट करेंगे ताकि हम इस बताएं कि अपने ऑटोडॉक को या अपना जो हमारा कंप्यूटर है कि इस एरिया के अंदर, ये जो ग्रिड है इस एरिया के अंदर हमने बेसिकली इसकी प्रिडिक्शंस हम चाह रहे हैं कि इस एरिया के अंदर आप जो हमारा लिगेंड है, जो रिसेप्टर है, उसकी इंटरेक्शंस करवाएं और हमें बताएं कि हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है। तो अब ये हमारा लिगेंड बेसिकली सेंटर में है, अगर सेंटर में नहीं है हम फिर भी इसको इधर ग्रिड ऑप्शंस के अंदर फाइल के साथ सेंटर है उस पर सेंटर जाके सेंटर ऑन मैक्रो मॉलिक्यूल करेंगे। अब ये बेसिकली हमारा सेंटर में है, और अब इधर से ये बेसिकली जो नंबर ऑफ पॉइंट्स इन जी डायमेंशन, वाई डायमेंशन एंड एक्स डायमेंशन, अगर आप देखें कि एक्स वाई और जी तीनों डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंटेड है, और ये ग्रिड जो हमें शो हो रहा है ये भी तीन डिफरेंट कलर से है, तो ये बेसिकली उसका साइज है, डायमेंशन है, यानी कि उसकी बेसिकली हमारा ग्रिड का साइज है। अब इसको साइज को मैं 100 पे ले जाता हूँ। सही, अब मेरा क्योंकि लैपटॉप में मैं ये काम कर रहा हूँ तो मैं इसको 100 पे रख रहा हूँ, नहीं तो आप इसको 126 पे भी चला सकते हैं, तो उसमें भी कोई मसला नहीं है। 106 या 100। अब अगर आप देखें मेरा मॉलिक्यूल कंपेरेटिवली छोटा था और जो मेरा ग्रिड है उसका साइज काफी बड़ा हो गया। सही, तो इसकी अगर मैंने ओरिएंटेशन बेसिकली चेंज करनी, ओरिएंटेशन से हम क्या मुराद है, ओरिएंटेशन से मुराद है कि मैं इस मॉलिक्यूल का कोई एक स्पेसिफिक पार्ट पूरा कंप्लीटली ना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि ये वाला जो पार्ट है मैं चाह रहा हूँ कि ये भी अंदर आ जाए। सही, अब मैं देख रहा हूँ कि ये ब्लू साइड है जो बेसिकली जी डायमेंशन है, तो इसको मैं इधर या उधर मूव करने के लिए मैं इस स्क्रोल को छेड़ूंगा। सही, तो अब ये देखा, अब मैं राइट को स्क्रोल कर रहा हूँ तो वो उस तरफ को जा रहा था, यानी कि ये पार्ट मेरा पास आ गया। सही, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये ऊपर वाला डायमेंशन भी थोड़ा आ जाए, तो ऊपर हमारे पास था ग्रीन, तो अब मैं इसको अगर ऊपर को करूँ ये आ गया हमारे पास ग्रीन। अब मैं देख रहा हूँ कि कहीं ज्यादा बाहर ना रह जाए, बेसिकली जो इंटरेक्शन हमारा कंप्यूटर करवाएगा वो इस पूरे ग्रिड बॉक्स के अंदर करवाएगा। सही, तो जब वो इस ग्रिड बॉक्स के अंदर पूरी वो इंटरेक्शन करवाएगा तो हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स बाद में हमारे पास एक लॉग फाइल बना के देगा, जिसको अभी हम आगे देखते हैं। तो ये बेसिकली हमने अपना सेट कर दिया ग्रिड के, हमें जो चाहिए हमें इस बॉक्स के अंदर इंटरेक्शन चाहिए। अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर को कर लूं, अब ये मैंने अपना ग्रिड सेट कर लिया है। अब मैं इसको क्या कहते हैं ग्रिड बॉक्स को सेव कर लूंगा, क्योंकि मुझे ये ग्रिड चाहिए ताकि बाद में मैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को इसके अकॉर्डिंगली अपडेट कर सकूं। तो अब मैं जाऊंगा फाइल पे, आउटपुट ग्रिड डायमेंशन फाइल, और जैसे मैंने कहा हमने सारी फाइल्स अपनी एक ही जगह रखनी है, और इसको मैं नाम दे दूंगा ग्रिड, क्योंकि ये हमारा ग्रिड है जिसके अकॉर्डिंग हमने सेट किया है, और ये हमारा ग्रिड हो गया सेट। अब हमारा इसका जो ट्रीटमेंट का काम था ना इस मॉलिक्यूल का, वो हो गया डन। हम इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक करके मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके मैं ये बार खोला है, अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ इधर से। अब मेरा जो जैसे मॉलिक्यूल था ये डिलीट हो गया, अब बारी है हमारी लिगेंड की, अब हम अपने लिगेंड को ट्रीट करेंगे। तो लिगेंड के लिए हम दोबारा से उसी तरह से फाइल ओपन करेंगे, जिधर हमने अपना लिगेंड रखा हुआ है हम उस जगह पे जाएंगे। हमारा EDT मॉडल है ये हमारा आगे लिगेंड। सही, अब क्योंकि हमें यहाँ पे ऑलरेडी दिख नहीं रहा है कि कोई वाटर मॉलिक्यूल्स हैं कि नहीं है, लेकिन कुछ के साथ हो सकता है वाटर मॉलिक्यूल्स हों, उसके बावजूद भी आप एडिट पे जाके डिलीट वाटर करें। तो ये वही सेम स्टार्टिंग प्रोसीजर वही है, हम ऐड करेंगे पोलर हाइड्रोजन। ओके, सही, कोई चेंज नहीं आया, यानी कि कंप्लीटेड है सारा। हम ऐड करेंगे इसके अंदर चार्जेस, ये जो स्टार्टिंग के तीन स्टेप हैं ये कांस्टेंट ही रहेंगे, ये दोनों दोनों के लिए आपने अप्लाई करना है। अब आगे से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, अब आगे से हमारा ये जो EDTM कॉम्प्लेक्स है, EDT मॉलिक्यूल, अब हम इधर इंस्टेड ऑफ ग्रिड अब हम जाएंगे लिगेंड पे, क्योंकि अब हम लिगेंड को ट्रीट करना चाह रहे हैं। तो लिगेंड को हम करेंगे सबसे पहली ऑप्शन इनपुट, हमने अपने लिगेंड को करना है चूज, हमारा EDT मॉडल है इसको हमने किया चूज सिलेक्ट, ये प्रॉम्प्ट आया, इस प्रॉम्प्ट को आप ओके करेंगे तो आप देखें कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग आ गई है, तो इसके घबराने की जरूरत नहीं है, आपका बेसिकली मॉलिक्यूल सिलेक्ट हो गया है डॉकिंग प्रोसेस के लिए। सही, अब हम दोबारा से लिगेंड पे जाएंगे, अब हम इस टॉर्शन ट्री वाली ऑप्शन पे आते हैं, उसके अंदर हम कहते हैं डिटेक्ट रूट। अब बेसिकली ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट से हमारा जो लिगेंड है रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, ये हमारा बाइंडिंग पॉइंट है। सही है, तो अगर आपको ये चीज चाहिए आपने अपने उसके अंदर मेंशन करना है कि हमारा रिसेप्टर क्या है आप, तो आप इसको इसी तरह से इसको रख के आप इस फाइल को इधर से क्या कहते हैं सेव इमेज एज करके आप इसको सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, कि आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर या अपने आर्टिकल के अंदर जहाँ पे भी आपने इसको इंसर्ट करना है आप इसको सेव एज इमेज करके आप इसको इंसर्ट करके बता सकते हैं कि ये पॉइंट था जो हमारा रूट था जिधर से हमारे क्या कहते हैं रिसेप्टर के साथ उसने बाइंडिंग करनी थी।
तो लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, तो अब हम क्या कहते हैं लिगेंड पे जाते हैं। अब हम इसको कर लेते हैं आउटपुट में जाके उसी लिगेंड ऑप्शन के अंदर सबसे नीचे आउटपुट। अब हम इसको भी कर लेते हैं सेव एस PDBQT, और जैसे मैंने कहा कि उसी फोल्डर में जहाँ पे हमने सारा रखना है सेव। मैं बार बार एम्फोसिस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर हम ये कहते हैं सेम फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना के आगे पीछे रख देना, तो वो क्या कहते हैं उसको फाइल को डिटेक्ट नहीं करता। तो इसीलिए हमें सारी फाइल्स उसको एक ही जगह रखनी रखनी है। आपने जैसे देखा मैंने उधर कोड अपना रखा हुआ है, मैं इसको अब हम बंद कर देते हैं, इसका काम हमारा हो गया। जैसे मैं कह रहा था, अब आप देखें मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दो इंटरेक्शंस अपनी कंप्लीट की हुई है, ठीक है। तो और उसका जो मैंने किया, उसका जो ग्रेड था, उसके जितने भी मॉडल्स था, रिजल्ट था, ये उसकी लॉग फाइल थी, सारा कुछ मैंने एक अलग फोल्डर में डाल दिया है उसको, क्या कहते हैं पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद। तो आप पहले पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लें, फिर उसी का एक इधर फोल्डर बना दें उसके नाम से, और फिर आप आगे आगे काम कंटिन्यू करते रहें। तो अब ये मेरे पास क्या कहते हैं दो PDBQT फाइल्स आ गई हैं, मेरे पास मेरा ग्रिड आ गया है, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। अब मेरा जो काम था ऑटो डॉक का वो मेरा हो गया कंप्लीट। तो अब जो नेक्स्ट काम हमने करना है, हमने वीना को रन करने के लिए उससे पहले हमने इस फाइल को, जो कन्फिग फाइल है ये बेसिकली कन्फिग्रेशन है, इसको अब हमने थोड़ा सा अपडेट करना है, सही है। तो अब जो है हमारा जो इधर ये देखें, अब इसके अंदर सबसे टॉप पे लिखा हुआ है रिसेप्टर, कि रिसेप्टर क्या है आपका। तो जो रिसेप्टर फाइल है वो है हमारा 6800D, यहाँ पे 6800B है जो मेरा प्रीवियस डे जिस पे मैं वर्क कर रहा था। तो अब मैं इसको अपडेट करिए 6800D। अब जो सेकेंड है हमारा वो हमारा इंस्टेड लिगेंड इस बार ADB मॉडल नहीं है, इस बार हमारा है EDT मॉडल। तो मैं इधर से इसको जाऊंगा, आप उधर से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट भी करके लगा सकते हैं। तो अब ये मेरा हो गया रिसेप्टर का काम, अभी इसको मैं इधर ही कर देता हूँ कंट्रोल। अब नेक्स्ट हमने अपना करना है ये XYZ जो हमारे सेंटर है, इनको हमने क्या कहते हैं अपडेट करना है। अब इस काम के लिए मैंने सेव करवाया था ग्रिड, ठीक। ग्रिड को ओपन करते हैं नोटपैड के साथ ही। अब आप देख रहे हैं कि इस ग्रिड के ऊपर आपको ये NPTS देख रहे हो, जो बेसिकली हमारा साइज था XYZ का, ठीक है। तो ये NPTS इधर साइज के नाम से लिखा हुआ है, तो साइज हमारा सेम है कॉन्स्टेंट, में 100 पे ही रन कर रहा था पहले भी, अभी भी 100 पे ही रन कर रहे हैं हम, तो ये 100 है। अब जो ये सेंटर XYZ है ना, ये बेसिकली इधर से हमने इसको चेंज करना, और जो ये लिखे हुए ना जिस ऑर्डर में, ये ऑर्डर भी XYZ ही है। सही, तो आप ये हमें इससे पता लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप एक्स कौन सा है इसमें से, तो ये काफी क्लियर है बेसिकली XYZ के अकॉर्डिंगली ही इसको लिखा हुआ है। तो आप इधर से बेसिकली अपने सिर्फ सिंपल सा काम है, वैल्यू को कॉपी करें और इधर आए और इधर पेस्ट कर दें। ओके तो अब मैं देख रहा हूँ, एक दफ़ा रीचेक कर लूँ कि वैल्यूज मेरी ओके, मैंने सही वैल्यूज अपनी लगा दी हैं। अब जो हमारा ग्रिड का काम था वो भी हो गया कंप्लीट, यानी कि बेसिकली ग्रिड को हमने यूज़ करके हमने इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में उसको डालना था कि इस जगह पे हम चाह रहे हैं कि हमारे रिसेप्टर और लिगेंड की इंट्रैक्शन हो, सही। तो ये बाद में हम इसको क्या कहते हैं जो वीना है, जो उसके लिए रन कोड हमने जो वीना का एग्जिस्ट कर रहा है ना, वो इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को यूज़ करके फिर वो उसको रन करेगा। अब आगे नीचे वाले पार्ट में ये क्या है, सही। अब ये आउटर लॉक्स की बात करने से पहले ये एग्जॉस्टिवनेस, ये एग्जॉस्टिवनेस बेसिकली 10 रखी हुई है कि ये हमें जो उसकी टॉप 10 इंट्रैक्शन है ना, हमें ये वो देगा, सही है, कि जो टॉप 10 की इंट्रैक्शन है जिनकी टॉप हाइस्ट एनर्जी होगी ना, बेसिकली ये वो देगा हमें। तो ये उससे ऊपर अब ये हमारा आउटपुट है और ये हमारी लॉग फाइल है, सही। तो ये इधर लॉग _1.txt के नाम से हमने लॉग लिखा हुआ है, सही है। लेकिन इस लॉग को इधर करने के बाद हम क्या कहते हैं रन कोड जहाँ पे हमारा है उसके अंदर भी अपडेट करेंगे ताकि हमारा लॉग चेंज होता रहे। अब जो आउटपुट है ये बेसिकली डॉक रिजल्ट के नाम से, मैंने अंदर इसको प्रीवियसली मैंने इस तरह से चेंज किया हुआ था, और अब इसको मैं चेंज कर देता हूँ ऐसे, मैं इधर लिख देता हूँ EDT-6800D। अब मैं इसको कर देता हूँ कंट्रोल एस, ये मेरे होगी क्या कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी सेव। अब जो हमारा मेन काम है अब उस पर हम आते हैं, मैंने कॉन्फ़िगरेशन फाइल अपडेट कर ली, इसको बंद कर देते हैं। अब हम ओपन करते हैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट। अब कमांड प्रॉम्प्ट हमने ओपन कर लिया,
अब कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद हमारा जो मेन काम है, हमें सबसे पहले अपनी डायरेक्टरी चेंज करनी है। सही है, अगर तो आप अपने लैपटॉप्स पे वगैरह पे काम कर रहे हैं तो आप सही है, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। आपने सिर्फ छोटा सा काम करना है, सीडी लिखना है, फिर आपने जिधर आपकी फाइल है बेसिकली आप उस फोल्डर को ओपन करें और इस टॉप बार के अंदर क्लिक करें। इधर से आपको पूरी डायरेक्टरी है, आप इसको कॉपी करें, इधर वापस एक और फिर राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये पेस्ट हो जाता है। तो सीडी जो मैंने लिखा है पहले वो है चेंज डायरेक्टरी के लिए। हम बेसिकली कंप्यूटर को बता रहे हैं कि अपना जो डेल हमारा वो पूरे डेल को, पूरे यानी कि पूरे कंप्यूटर को इस टाइम पे रीड कर रहा है। हम उसको बता रहे हैं कि भाई तुम पूरे कंप्यूटर को रीड करना छोड़ो, तुम जाओ डेस्कटॉप पे, वहाँ पे जीनोमिक्स रिसर्च की फोल्डर है उसको खोलो, ऑटोडॉक को खोलो, वहाँ पे प्रैक्टिस का फोल्डर है उसको एंटर करो, फिर मैं तुम्हें आगे बताता हूँ क्या करना। इधर तो एंटर कर दिया, अब वो उस फोल्डर के अंदर आ गया। ये बेसिकली उसको डायरेक्शंस दे रहे हैं कि इस जगह पे जाओ, इस जगह पे जाओगे उसके बाद मुझे बताना, मैं तुम्हें आगे बताता हूँ क्या काम करना है। अभी हमारा हो गया काम, ठीक है। अब तो जो अपने लैपटॉप्स पे या अपने किसी अपने सॉफ्टवेयर पे काम, अपने वो क्या कहते हैं इक्विपमेंट्स पे काम कर रहे हैं तो उनके लिए सही है, लेकिन कुछ जैसे कि अपने यूनिवर्सिटीज के क्या कहते हैं आईपीसी को यूज कर रहे हैं उधर, तो उधर आपको पहले क्या कहते हैं अपना चेंज करना पड़ता है, ड्राइव वगैरह चेंज करनी पड़ती है। ड्राइव करके फिर आपको ये सारा चेंज डायरेक्टली करनी पड़ती है। तो ड्राइव चेंज करके सी ड्राइव में आ जाए आप, उसको उसके लिए अगर आप खुद को नहीं समझ लगती तो आप क्या कहते हैं उधर हेल्प ले लीजिएगा किसी से। तो नेक्स्ट काम अब हमने करना है अपने कोड को रन। अब हमारे पास ये रन कोड भी रखा हुआ है, ये रन कोड है vina.exe, कॉन्फ़िगरेशन config.txt, बेसिकली जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है हमारी, ये उसको रीड करके हमारे पास जो लॉग का आउटपुट देगा वो 0.txt के नाम से देगा, लेकिन हमें 0.txt नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूँ मुझे 1.txt चाहिए। तो मैं इसको कर दूंगा Ctrl+S। अब ये मेरा हो गया कोड, मैं इसको करूंगा कॉपी, इधर आऊंगा, उसी तरह से राइट क्लिक किया, ये हो गया पेस्ट। अब मैं करता हूँ एंटर, अब ये पूरा क्या कहते हैं मेरा जो ऑटो डॉक है वो रन होता रहेगा। अब आप देखें उसकी क्या कहते हैं मेरे लैपटॉप के 4 CPUs, उसने क्या 4 CPUs ने डिटेक्ट कर लिए, उसने इनपुट्स हमारे रीड कर लिए हैं, सही है, और वो स्कोरिंग फंक्शन अब सेट कर रहा है। अब आगे एनालाइज कर रहा है बाइंडिंग साइट, यानी क्या उसने हमारा जो मेन काम था वो हो गया, अब हमारा ये थोड़ा प्रोसेस चलता रहेगा। अब इस प्रोसेस को मैक्सिमम 2 से 3 मिनट, या अगर आपका लैपटॉप थोड़ा ज़्यादा स्लो चल रहा है क्योंकि आपने बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें रन करी हुई हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 मिनट लगेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर ये हो जाएगा। अब ये देखें वो परफॉर्मिंग सर्च बेसिकली वो करना शुरू हो गया मेरा। तो जितनी देर में अब ये काम कर रहा है, तो मैं इसको रन फाइल को बंद करके अब मैं ओपन कर लेता हूँ अपना ये। अब हम क्या कहते हैं, अब हम देखते हैं कि भाई अब वो उसको किधर से हमने निकालना है। तो अब जैसे मैंने कहा था कि अब मुझे क्या कहते हैं बायोविया चाहिए, तो मैं इस पे लिखता हूँ बायोविया, ठीक है। तो ये तो मेरे पास आ रहा है, लेकिन मैं इसको सिर्फ बायोविया डाल के एंटर कर देता हूँ, तो bioviya.net ये मेरे पास आ रहा है। लेकिन इसको अगर मैं थोड़ा और लिखूँ तो डिस्कवरी स्टूडियो, ये तो मेरे पास जो पहली ऑप्शन आ रही है ना फ्री डाउनलोड बाय वी आर डिस्कवरी स्टूडियो विजुअलाइजर, हमें ये चाहिए, ठीक है। किया, वेबसाइट लोड हो रही है, तो अब इसके लिए हमें क्या कहते हैं सिर्फ रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन में हमने कोई खास काम नहीं करना, सिर्फ अपनी ईमेल डालनी है, ईमेल डाल के हम नेक्स्ट करेंगे। जैसे कि मैं अगर अपनी डालूंगा ये, तो अभी बेसिकली मेरा नाम पूछ रहा है, लास्ट नेम, कंपनी, जिसमें अपने यहाँ पे क्या कहते हैं अगर मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट डाल दूँ यूनिवर्सिटी डाल दें, अगर आप किसी काम कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो वो कंपनी डाल दें, अपना इंटरेस्ट बता दें कि वैसे ही वैल्यूएटिंग प्रोडक्ट, बिगनिंग इन्वेस्टिगेशन, जनरल इंटरेस्ट, और इस तरह से करके आप जब सबमिट कर देंगे करके फिल करके बता देना। ये मैंने किया सबमिट, अब ये बेसिकली मेरे पास आ गया कि अगर आपका विजुलाइजर क्लाइंट क्या है विंडोज 64 बिट, तो ये तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके लैपटॉप के आपने स्पेसिफिकेशंस पहले चेक कर लेनी है, क्योंकि जो डीएस विजुलाइजर क्लाइंट है ये बेसिकली विंडोज 64 बिट के लिए वर्क करेगा। तो अगर आपका 32 बिट है तो उसके लिए आपको ये क्या कहते हैं थोड़ी प्रॉब्लम्स करेगा, आपको नहीं होगा आपके पास ये। तो अब ये था हमारा फ्री बायोवीएम, अब हम वापस जाते हैं
गूगल ओपन कर लिया। अब जो मैंने डालना है मुझे चाहिए MGL टूल्स, ठीक है। MGL टूल्स मैंने डाला, डाउनलोड में MGL टूल्स स्क्रिप्ट रिसर्च। अब मैं इसको कर लूंगा क्लिक। तो अब ये मेरे पास सेटअप है। अब बेसिकली इस सेटअप को मैं क्लिक करूंगा, सही। तो इस सेटअप को क्लिक करने के बाद क्या कहते हैं, सेटअप में डाउनलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड होगा उसी तरह से आपने बस इसको क्लिक करना है, उसको रन करना है और ओके करते रहना है। तो ये था बेसिकली ये। तो ये जिस तरह से अभी आते हैं तो इस पर हम वापस आते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर उसको जब क्या कहते हैं MGL टूल्स का ये जो सेटअप था, जो उसको रन करते हैं, आपको बेसिकली इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ओपन बैबल आ जाता है, आपके पास ये डॉकिंग पैकेज है ये आ जाता है, और यहाँ तक कि आपके पास बायोविया का क्लाइंट भी आपके पास खुद आ जाता है, उसके अंदर इंक्लूडेड होता है, सही है। ये MGL टूल से मैंने किया था। अगर मैं अपना डिस्कवरी स्टूडियो खोलूँ, सही है, तो इसकी अगर हम देखें, इसकी फाइल लोकेशन अगर मैं देखूँ, ये देखिए मेरे पास कैसे प्रोग्राम्स में आ रहे हैं, सी ड्राइव में मैंने अलग से डाउनलोड किया था, सही। तो अगर आप देख चाह रहे हैं कि आप क्या कहते हैं अलग से ना डाउनलोड करें, तो आप बेसिकली इसके अंदर भी आपको ये इसका इंस्टॉलर रखा हुआ है, आप इधर से सीधा MGL टूल्स को डाउनलोड करें और उधर से आपको पूरा सेटअप भी मिल जाएगा, सही है। तो अब मैं इसको अपने सॉफ्टवेयर को मैंने बंद करता हूँ। अब हम देखते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे। ओके, तो अब मैं ये देख रहा हूँ कि ये मेरा हो गया है डन। उसने रिफाइनिंग रिजल्ट्स कर दिया, उसने मुझे आउटपुट लिख के दे दिया। तो किधर है ये रहा मेरा आउटपुट, ठीक है। तो अब ये देखें, अब जो हमारे पास रिजल्ट है, बेसिकली जितनी मेरी इंटरेक्शन हुई ना उनके, तो ये टॉप 10 बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो ये बेसिकली मेरे पास इंटरेक्शन आई हैं। अब जो टॉप 1 है ना, ये बेसिकली देखें -6.0। ओके, तो अब इसका ये है कि अब हमें जो इंट्रैक्शन होती है ना, अगर -7 से ज़्यादा नेगेटिव हो, यानी कि -7.1, -7.2, -7.0 से ऑनवर्ड्स, तो बेसिकली वो काफ़ी अच्छी इंट्रैक्शन होती है, यानी कि हमने बहुत बिल्कुल जो प्रिडिक्शन थी हमारी बहुत अच्छी हुई है। अब जो मेरा ये इन्फिनिटी स्कोर है ना, ये थोड़ा कम है, यानी कि इधर इतनी को अच्छी इंट्रैक्शन नहीं हो रही है, और बस ओके इंट्रैक्शन आप इस तरह से कह रहे हैं, सही है। लेकिन इन बस ओवरऑल हमने बस ये अपनी लॉग फाइल में हमारे पास अब ये जनरेट हो जाती है, हम ये भी डाल सकते हैं अपने साथ। तो अगर मैं इस कमांड प्रॉम्प्ट को बंद करूं, ये देखें ये रही मेरी लॉग फाइल, ये रहा मेरा रिजल्ट, ये लॉग फाइल है। अब इस लॉग फाइल को अभी कहते हैं यहाँ पे ये साइटिंग साइटेशन को उसने आपको ऑलरेडी दिया हुआ होता है, बाकी उसने जो रन किया है, जो फिनिटीज आई हैं, जो डिस्टेंस फ्रॉम मीन वो स्टैंडर्ड डिविएशन LB, ये सारा आपको दिया हुआ है उसने, ठीक है। आपको इनकी एब्रीविएशन वगैरह अभी फिल वक्त पता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ डॉकिंग कर रहे हैं, अगर आपको ज्यादा है तो आप क्या कहते हैं इसको गूगल पे लिख के आप इसको सर्च कर सकते हैं फर्दर। अब हमने क्या करना है, हमारा सारा कुछ आ गया हमारे पास, अब हमारा डॉक रिजल्ट भी आ चुका है। अब हम वर्क करेंगे अपने डिस्कवरी स्टूडियो पे। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम करने जा रहे हैं विजुअलाइजेशन। तो डिस्कवरी स्टूडियो पे ओपन करते हैं। अब जब मैंने डिस्कवरी स्टूडियो ओपन किया, ये हमारा बेसिकली इसका मेन इंटरफेस होता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने ओपन करनी है अपनी वो फाइल, ठीक है। और उसके बाद जो अब सबसे पहले यहाँ पे हमने अपनी रिजल्ट नहीं ओपन करना, हमारा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था ना, हमारा ओरिजिनल जो PDB फाइल थी हमारे रिसेप्टर की, हमने सबसे पहले वो ओपन करनी है। तो ये देखिए मेरा ये था, नहीं मेरा था 6800, देखिए, ठीक है, मेरा 6800 ही था मेरा वो रिसेप्टर। आपने ये ध्यान रखना है कि आप क्योर ना कर लें, ताकि आपको वो गलत ना हो। तो ये 6800 है, ये मैंने अपना ओपन किया, ठीक है। अब ये देखें इसके अंदर जो जो ओरिजिनली थे मेरे पास वो ये थे। अब बायोविया के अंदर अगर हम राइट क्लिक करके उसको रोटेट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें लेफ्ट क्लिक को ही करना पड़ेगा, सही है। तो अब ये भी मेरे इसके अंदर मेरा पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये अगर आपकी बार क्या कहते हैं मिनिमाइज्ड है, या वो बंद हुई हुई है, क्लोज है, तो आप इसको यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं वाटर को ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, और इधर से मैं वाटर को कट भी कर सकता हूँ। अब इसके अंदर से मेरे पास वाटर कट हो गए हैं, अब ये सिर्फ मेरे पास मेरा मॉलिक्यूल है। ओके, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जो ऊपर मैक्रो मॉलिक्यूल, ये जो ऊपर बार है ना, इस बार के अंदर आप रिसेप्टर लिगेंड इंटरेक्शंस पे आए, क्योंकि
क्योंकि हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, हम अपने रिसेप्टर और लिगेंड के बीच में इंटरेक्शंस करवाना चाह रहे हैं और उसको विजुअलाइज कर रहे हैं। सही, तो हमें ना तो हमने सिमुलेशन करनी है ना हमें मैक्रो मॉलिक्यूल्स, अभी हमारा जो फोकस है रिसेप्टर लिगेंड इंटरेक्शंस पे है। सही, तो जब हम अपना लिगेंड डालते हैं ना इसके अंदर, तो जो हमारा सबसे पहले जो बेसिक होता है ना, क्या करता है बायोविया, हमारे जो हमने सबसे पहला मॉलिक्यूल या पीडीबी फॉर्मेट के अंदर फाइल डालते हैं उसको एज ए रिसेप्टर डिफाइन कर देता है ऑटोमेटिकली। तो अगर हम ये देखें इस टॉप लेफ्ट साइड पे, ये इसने हमारा रिसेप्टर ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। तो ये है कि जो मैंने 6A GD डाला था वो हमारा एज एन ऑलरेडी रिसेप्टर डिफाइंड है। सही, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने फाइल दोबारा से ओपन नहीं करनी, क्योंकि अगर हम फाइल ओपन करेंगे तो वो एक नए फोल्डर में ओपन हो जाएगी। सही, तो अगर मैं आपको करके दिखाऊं कि आपने क्या काम नहीं करना, वो ये है। अब हमने अपने EDT मॉडल को नहीं यूज करना, अब हमने अपने क्या कहते हैं डॉक रिजल्ट को यूज करना। अब अगर हमने फाइल ओपन की देखें, ये एक नया फाइल ओपन हो गया है, और जैसे मैंने कहा कि वो जो आप फाइल ओपन करते हैं उसको वो एज ए रिसेप्टर क्या कहते हैं डिफाइन कर देता है। तो हमारा ये मॉडल बेसिकली रिसेप्टर के तौर पर डिफाइन हो गया, जो कि हम नहीं चाहते क्योंकि हमारा लिगेंड है। तो मैं इसको करूंगा क्लोज, नो आई डोंट वांट टू मेक एनी सेफ चेंजेस। अब मैं इधर से फाइल ओपन करूंगा और अब मैं इधर से इसको ड्रैग करूंगा, ओपन नहीं ड्रैग, इसको क्या सिलेक्ट इधर किया और ये ड्रैग। अब ये बेसिकली इसको मैं अगर यूं सिलेक्ट करूं, तो ये रहा, ठीक है, ये हमारा लिगेंड आ गया यहाँ पर। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको एज इन केस को सिलेक्ट कर लिया मैंने, सही, और कंट्रोल दबा के हमें अपने क्या कहते हैं रिसेप्टर मॉलिक्यूल को भी सिलेक्ट करूंगा। अब वो भी सिलेक्ट हो गया, तो इसके बीच में अब हम इधर आएंगे, ओ एक स्टेप में रह गया था। अभी जो हमारा डॉक रिजल्ट है इसको दोबारा से सिलेक्ट करें हम सिर्फ, और उससे पहले हम इसको करेंगे डिफाइन लिगेंड। हाँ, अब हमारा ये एज ए लिगेंड डिफाइन हो गया है, तो ताकि जब हम लिगेंड इंटरेक्शन करेंगे तो ये और इसकी इंटरेक्शन होगी। ये तो जरा मैं जूम आउट कर लूँ, तो अब मैं अपने जाऊंगा इस पे वापस और इसको भी सिलेक्ट करूंगा और अब मैं करूंगा लिगेंड इंटरेक्शन। इस चीज पे आपने घबराना नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है, वो बेसिकली ये रहा, वो एजन के नीचे चला जाता है। तो अगर मैं इसको थोड़ा वापस जूम इन करूँ, तो एक सेकेंड, अब मैं इसको एक एक कहते हैं प्रॉपर उस पर ले आया हूँ। ओरिएंटेशन तो इसे सेट कर रहा है। अब ये हमारा क्या कहते हैं, हमने इसकी लेकिन इंटरेक्शन शो करा दी है, ये हमारा एक डॉकिंग का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हम जाते हैं इधर, अब हमने इसकी रिसेप्टर सरफेस भी शो करानी है। आप इसको ऐसे नहीं रहने देंगे, इसके रिसेप्टर सरफेस भी शो कराएंगे, और उसके लिए ये हमारे पास है इधर बार डिस्प्ले, डिस्प्ले रिसेप्टर सरफेस इसके नाम से, इसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप इसको सिलेक्ट करें एक को, मैंने बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली इसकी सरफेस सिलेक्ट करें। दिखा देता हूँ कि ये इसकी इंट्रैक्शन इधर शो हो रही है। अब मैंने दोबारा से राइट क्लिक करके अब मैं इस पर लेबल्स ऐड करना चाह रहा हूँ। तो अब एटम की जगह मैं चाह रहा हूँ कि इसके जो अमाइनो एसिड्स हैं जिनके ये मोस्टली सब रिएक्ट कर रहे हैं इस पूरी चेन के अंदर, उसको चेक करूँ। उसके लिए कलर मैं अपनी मर्जी से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक बैकग्राउंड है तो उस पर वाइट मेरे ख्याल में सही रहेगा। सो अगर आप ये देखें तो ये आपको करके भी देखें,
अब आपने इसकी ओरिएंटेशन इस तरह से रखनी है, जिस तरह से आप इसकी ओरिएंटेशन रखेंगे ना उसी तरह से आपका इसे सेव होगा एक तरह। तो अब मैं इसको जो बेस्ट मैं समझ रहा हूँ कि ओरिएंटेशन जिसकी बेस्ट इंट्रैक्शन जो मुझे दिख रही है उसको सेट किया। अब इसको स्क्रीन के सेंटर में ले आए और अब हमने इसको करना है सेव। उसके लिए हम जाएंगे फाइल पर, करेंगे सेव एज, और जैसे मैंने कहा हम एक ही जगह पे सारा कुछ रख लेते हैं ताकि हमारे लिए आसान रहे। तो डिस्कवरी स्टूडियो फाइल्स की जगह ये जो सेव एज टाइप है उस पर हम क्लिक करेंगे और सबसे नीचे ऑलमोस्ट आ जाएगा हमारे पास इमेज फाइल। तो एज एन इमेज जिस तरह से आपको ये शो हो रही है विद द सेम पिक्सल्स एंड एवरीथिंग, इस तरह से आपको ये बेसिकली आपको शो हो जाएगी आपकी सेव हो गई है। और जो सिर्फ लेकिन मैंने आपको स्लाइड में 2D डायग्राम भी दिखाई थी, तो उस 2D डायग्राम के हम वापस इस बार पे आते हैं। सबसे नीचे देखते हैं शो 2D डायग्राम, ये इसकी आगे 2D डायग्राम। अब इस 2D डायग्राम के नीचे हमें लेजेंड भी दी, बेसिकली इसको हम की भी कहते हैं। ये इंट्रैक्शन जो हो रही है वो क्या इंट्रैक्शन है, किस चीज़ की इंट्रैक्शन है। तो अगर हम देखें जो ग्रीन कलर की है वो कन्वेंशनल हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये इधर आईएमई सीरीन क्रोलीन एलएमई, तो ये बेसिकली इनके साथ इसकी हाइड्रोजन बॉन्ड है। और ये जो तो बाकी दोनों हैं हम ये देख रहे हैं, तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है और एक है पाई डोनर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके कलर्स आपने जरा डिफ्रेंशिएट करें अगर आप ये देखें, पाई डोनर हाइड्रोजन बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो अब ये बेसिकली सारा इसका 2D डायग्राम था। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि ये इस तरह से सेव एज फाइल नहीं होगी, इसको हम कर लेते हैं कॉपी। और अब हम ओपन करते हैं अपना वर्ड, वर्ड पे मैं ओपन करता हूँ एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट और इधर मैं ला के इसको कर देता हूँ पेस्ट। इट्स जस्ट कीप इन माइंड के आपका यहाँ पे जो लेजेंड या जो की थी उसके नीचे जो गिवन है ये की साथ में नहीं आती, ठीक है, आपकी सिर्फ ये 2D डायग्राम आएगी। तो इस की को आप एज एन अलग से आप इसको कर सकते हैं, अपने पास सेव या खुद बना सकते हैं आप इसको इधर। तो इधर से हम इसको राइट क्लिक करते हैं और इसको सेव एज पिक्चर कर देते हैं। और जैसे मैंने कहा जिधर हमारा सारा रखा हुआ है उधर ही मैं इसके नाम पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास सेम नेम आ गया और इसको मैं इधर से एडिट करके लिख देता हूँ कि 2D, ताकि मुझे डिफ्रेंशिएट करने में आसानी रहे कि भाई इसके ये 3D मॉडल था और ये 2D मॉडल है। मैंने कर दिया सेव। अब इस फाइल को सेव करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप डोंट सेव कर दें। और डिस्कवरी को अगर आपने ये इंट्रैक्शन आपने नोट करनी है अपने पास, आप इस इंट्रैक्शन को नोट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको भी बंद कर दें, इसको भी सेव करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था हमारे पास काम इसका। तो अगर आप इसका रिजल्ट देखें तो ये रहा रिजल्ट। जैसे मैंने कहा था जिस तरह से आप इसकी ओरिएंटेशन सेट करेंगे उसी तरह से सेम पिक्सल वगैरह के साथ आप ओके कर देंगे तो आपके ऐसे पिक्चर शो होगी। अब इस पिक्चर को आप इस या इस इमेज को आप अपने किसी भी आर्टिकल में या अपने किसी भी क्या कहते हैं वो डॉक्यूमेंट वगैरह के अंदर आप इजीली ऐड कर सकते हैं। और सेम आपके पास केस है 2D डायग्राम का। तो ये था हमारा डॉकिंग का प्रोसेस। सो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारे क्या कहते हैं सारे प्रोसेस अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।